अगर आप सेम ओल्ड वर्कआउट रूटीन काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं सो प्रोबेबली यू विल फाइंड कि आपकी जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जिम हैक्स जो कि आप इंक्लूड करेंगे अपने वर्कआउट रूटीन में, उससे आप अपनी मसल ग्रोथ और फैट लॉस दोनों सेम टाइम पे अचीव कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई वर्कआउट रूटीन डिफरेंट वर्कआउट रूटीन फॉलो करना है, सेम वर्कआउट रूटीन में आप ये टेक्निक इंक्लूड कर सकते हैं। इन हैक्स का मोटिव यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेप्स लगा सकें ताकि आपकी जो बॉडी है वो अंडर टेंशन ज़्यादा टाइम के लिए रहे और आपकी मसल्स का टीयर हो, और जब वो रिपेयर हो तो पहले के कंपेरेटिवली आपकी फुलर और स्ट्रॉन्गर मसल्स आए। जितनी भी टेक्निक्स हैं मैं आपको एक्चुअल सिनेरियो में दिखाऊंगा जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त कैसे हम ये हैक्स इंक्लूड कर सकते हैं। सो इधर मैं लगा रहा हूँ नॉर्मल बेंच प्रेस, सेम रेंज ऑफ मोशन है, जितनी स्पीड से मैं नीचे लेके जा रहा हूँ उतनी स्पीड से ऊपर लेके आ रहा हूँ, 8 to 10 रेप्स एंड यू आर डन। बट आपको ये पता है कि जो आपकी जो बॉडी है लोअर पार्ट ऑफ मूवमेंट में ज़्यादा वेट होल्ड कर सकती है एज़ कम्पेयर टू अपवर्ड मूवमेंट। तो जो हमारा पहला हैक है उसमें आपको स्पॉटर की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप बेंच प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं तो आप नॉर्मली परफॉर्म करेंगे 10 to 12 रेप्स टिल फेलियर आप निकालेंगे रेप्स, और जब आप फेलियर के पास जब पहुंच जाते हैं तो आपको स्पॉटर की हेल्प लेनी है। स्पॉटर आपको सिर्फ ऊपर उठाने में वेट में हेल्प करेगा, नीचे आते वक्त आपको स्लोली स्लोली नीचे लेके आना है 5 to 6 सेकंड का काउंट करते वक्त। ऐसा करने से आप क्या करेंगे, 2 रैप आप एक्स्ट्रा निकालेंगे और ये जो लास्ट के जो रैप्स होते हैं ये ही आपको मसल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो लेट्स रेडी फॉर द सेकेंड हैक। सेकेंड हैक में हम क्या करेंगे, जैसे मैं इधर परफॉर्म कर रहा हूँ डंबल साइड रेजेस, तो इसमें मैं आप नॉर्मल परफॉर्म करूँगा टिल फेलियर, जो भी 10 to 12 रैप्स आप निकाल सकते हैं। इसके बाद जब वेट और नहीं उठा पा रही हमारी बॉडी तो हम क्या करेंगे, पार्शियल मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। तो इससे आप अपने सेट में 5 to 6 रैप्स और ऐड करेंगे और आपकी बॉडी और टाइम के लिए अंडर टेंशन रहेगी। चलिए अब थर्ड टेक्निक अप्लाई करते हैं। सो इस टेक्निक के लिए मैं लेग कर्ल परफॉर्म कर रहा हूँ, आप लेग प्रेसेस में भी कर सकते हैं। सो नॉर्मल आप जितना वेट से आप सेट्स लगाते हैं उतने वेट से ही लगाना है, 10 to 12 रैप टिल फेलियर आप निकालेंगे। उसके बाद कुछ सेकंड का पॉज लेंगे, उसके बाद 6 रैप्स और निकालेंगे। 6 रैप निकालने के बाद कुछ और सेकंड का रेस्ट लेंगे, 2 to 3 सेकंड का, एंड देन अगेन वी कैन हिट 4 to 5 रैप्स मोर। सो ऐसा करने से क्या होगा, जिस सेट में मैं निकालता था 10 to 12 रैप्स उसी सेट में मैंने निकाले हैं 20 रैप्स। तो ये जो लास्ट के रैप्स मैंने एक्स्ट्रा निकाले हैं वो मेरी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। लेट्स मूव टू द फोर्थ टेक्निक। इसमें हम निकालेंगे चीट रैप्स। जी हाँ, सो मैं आप देख पा रहे होंगे मैं इसमें हैमल कर्ल लगा रहा हूँ। सो ये अच्छी टेक्निक से लगानी है, हमारी जो एल्बो है वो लॉक रहनी चाहिए एंड स्लो एंड स्टडी हम परफॉर्म करेंगे टिल फेलियर। फेलियर के बाद जब हमसे वेट और ना उठे तब हम स्विंग करके भी चीट रैप्स निकाल सकते हैं। सो ऊपर आते वक्त आपको स्विंग करना है तो आप कर सकते हैं, शोल्डर की हेल्प ले सकते हैं, बट नीचे नेगेटिव पार्ट ऑफ मोमेंट में आपको स्लोली स्लोली नीचे लेके आना है। सो ऐसा करने से आप अपने सेट में 3 to 4 रैप्स और ऐड कर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फिफ्थ हमारी हैक है वो है सुपर सेट। सुपर सेट बहुत ही अच्छी टेक्निक है जब आपकी बॉडी एक प्लेट्यू हिट कर देती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ये आप टेक्निक ज़रूर यूज़ कीजिए। तो इसमें हम एक ही बॉडी पार्ट का एक सेट में 2 से 3 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैं मशीन रो परफॉर्म कर रहा हूँ, 8 to 10 रैप्स इसके निकालने के बाद इमिडिएटली मैं दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करूँगा। इसमें आपको बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना है, एक एक्सरसाइज परफॉर्म करते ही दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ केबल पुल डाउन, इसके भी मैं 8 to 10 रैप्स निकालूंगा। आप चाहे तो इसमें 1-2 एक्सरसाइजेस और ऐड कर सकते हैं, पूरा एक सर्किट बना सकते हैं जो कि आपको मसल गेन और फैट लॉस दोनों में ही
हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।